नमस्कार, खम्बागणी केप न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पिता सहज भाव से जो पुत्र को दे वो पुत्र को स्वीकार करना चाहिए, आचार्य ऋतुराज शर्मा ने। कोटड़ा दीप सिंह में रामनवमी जुलूस के मृतकों परिजनों को 160 दिन बाद भी नहीं मिली संविधा पर नौकरी, ग्रामवासियों में भारी आग। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज जाट नेता ज्योति मिर्धा ने थामा बीजेपी का हाथ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकाल कर दिया गया संदेश। सीपा बड़ोद अस्पताल के कचरे के डिब्बे में मिली एक दिन की नवजात बालिका। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा जिले के बड़ोद कस्बे सहित सर्व हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में सोमवार को उपखंड अधिकारी दिगोद को जिला कलेक्टर कोटा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रखंड मंत्री मनोज धाकड़ ने बताया कि 31 मार्च 2023 को कोटड़ा दीप सिंह में रामनवमी के जुलूस के दौरान लाइट की चपेट में आ जाने से बड़ोद के 3 अखाड़े बाजों की मृत्यु हो गई थी और 4 अन्य घायल हो गए थे, जिसमें मृतक महेंद्र यादव, ललित प्रजापत, अभिषेक उर्फ देवेश नागर उपस्थित थे। पूर्व में जिला कलेक्टर द्वारा मृतक परिवारों को 1,00,000 रुपए का मुआवजा और मृतक परिवार के सदस्यों को योग्यता के अनुसार जल्द ही संविदा कर्मी पर लगाने की बात कही थी, किंतु 160 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी इसको संज्ञान में नहीं लिया गया है। जबकि परिजनों द्वारा पूर्व में 5 माह पूर्व में उपखंड अधिकारी दिगोद को योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए, उसके बाद अभी 10 जुलाई को भी परिवार द्वारा जिला कलेक्टर को दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विहिप जिला मंत्री बनवारी गौड़ ने बताया कि सर्व हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में दिगोद उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि आगामी 2 दिन में अगर प्रशासन की ओर से संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं मिलता है तो बड़ोद पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। फिर भी अगर प्रशासन द्वारा अगर सुध नहीं ली जाती है तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन कर कोटा जिला देहात संपूर्ण तौर पर बंद किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जिला प्रशासन की होगी। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष इंद्रराज मीणा, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी यादव, जिला सह मंत्री नंदलाल प्रजापत, प्रखंड अध्यक्ष महावीर नागर, पूर्व प्रधान महेंद्र सनाडे, लोकेश तिवारी, मोनू सनाडे, महेंद्र बजरंगी, परमेश्वर दयाल, परिजन श्याम सुंदर नागर, दक्ष यादव, इंद्रजीत प्रजापत, सीताराम नागर सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। परिषद बजरंग दल आगामी रूपरेखा बैठ के जिला टोली और जिला के कार्यकर्ताओं के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि अभी प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से हमने अवगत कराया है कि 2 दिन में हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम पूरा बड़ौद कस्बा बंद करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो तहसील और जिला केंद्र तक हम इस आंदोलन को लेके जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़े, कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़े, मुकदमे लगवाना पड़े, प्रशासन से टकराना पड़े। हिंदुओं के सम्मान के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूर्ण रूप से समर्पित था, है और रहेगा और हिंदू समाज को न्याय दिलाकर रहेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। अखिल भारतीय श्री धाकड़ युवा संघ सुल्तानपुर जिला कोटा की आवश्यक बैठक रविवार को धाकड़ युवा संघ के अध्यक्ष महेश धाकड़ की अध्यक्षता में सुल्तानपुर कस्बे में आयोजित हुई। बैठक में आगामी 21 सितंबर को जाने वाली धाकड़ समाज के राष्ट्रीय धरणीधर मंदिर पर 7वीं विशाल वाहन यात्रा के बारे में चर्चा हुई और पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यकर्ताओं को प्रचार सामग्री वितरित भी की गई, जिसमें कार्यक्रम संयोजक हरिप्रकाश मेहराना, सह संयोजक ओमेंद्र नागर ने बताया कि यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मंदिर मानकला नगर फोर्ट जिला टॉक पहुंचने पर रात्रि में पंडित रवि गौतम कंदाफल बालों की कथा का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर बाल मुकुंद सियाराम, बाल मुकुंद, लोकेश, राधेश्याम, किशन गोपाल, दिनेश जोधराज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माँ कृष्णाई अन्नपूर्णा रामगढ़ वाली माताजी पहाड़ों पर विराजमान है। यहाँ बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। रिलावन रामगढ़ के आसपास से यात्री ध्वजा व अखंड ज्योत लेकर रोजाना
चार से पांच जत्थे रेलावन मुख्य मार्ग से होकर निकलते हैं, जहां पर रेलावन मुख्य बाजार में कीचड़ व पूरे रोड पर पानी भरा हुआ है। इस कारण निकलने वालों को भारी परेशानी हो रही है। छोटे बच्चे, महिलाएं कई बार तो कीचड़ में ही गिर जाते हैं। यहां के नेता, विधायक, सांसद का इस और कोई ध्यान नहीं है। रेलावन उप तहसील भी यहां 2 किलोमीटर तक मुख्य बाजार है और 2 किलोमीटर तक कीचड़ व पानी भरा हुआ है। रेलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में नर्सिंग कार्मिकों के साथ प्रशिक्षकों ने आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस उपलक्ष में जिला स्तरीय रैली निकाली गई। रैली को सीएमएचओ डॉ. एचएल दाबियार, पीएमओ डॉ. खुशपाल सिंह, उप नियंत्रक डॉ. डीके गोयल, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. राहुल डिंडोर, मनोचिकित्सक डॉ. प्रदीप राठौड़ ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर आत्महत्या मुक्त राजस्थान की शपथ भी दिलवाई गई। धर्मेश सोमपुरा की रिपोर्ट। नवजात की हालत गंभीर होने पर सवेरे पहुंचाया गया जिला अस्पताल। बाल कल्याण समिति के सदस्य भी नवजात की तबीयत गंभीर होने पर वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान उसे कोटा रेफर किया गया। पुलिस जुटी है निर्दयी मां की तलाश में। बारा जिले के छिपाबड़ोद में कलयुगी निर्दयी मां की क्रूरता देखने को मिली है, जो अपनी एक दिन की नवजात बालिका को रात्रि के समय सरकारी अस्पताल सीएचसी के कचरे के डिब्बे में फेंक कर चली। नवजात की रोने की आवाज सुन लोगों ने अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी। वही सूचना पर छिपाबड़ोद पुलिस भी मौके पर पहुंची। नवजात बालिका की तबीयत सीरियस होने पर उसे सोमवार सवेरे बारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर बाल कल्याण समिति के सदस्य भी पहुंचे। डॉक्टर्स द्वारा नवजात की तबीयत गंभीर होने पर उसे कोटा के लिए रेफर कर दिया गया। बाल रोग प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत पुरुथीने ने बताया कि नवजात को छिपावड़ों से लाया गया है, जिसे सवेरे भर्ती किया गया जो सीरियस है, जिसे आगे के उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया है। वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश मेहता, सदस्य खेमराज सिंह तंवर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि छिपावड़ों अस्पताल के कूड़ेदान में अज्ञात बालक पड़ा हुआ था, जिसे पुलिस द्वारा बारा अस्पताल लाया गया है। नवजात का उचित उपचार करने की अनुमति दी गई है। नवजात की हालत खराब होने पर उसके उचित उपचार के लिए उसे कोटा रेफर किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अज्ञात निर्दयी की तलाश में जुट गई है। फिलहाल नवजात को बारा से कोटा रेफर कर दिया गया है। केपी न्यूज के लिए ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। सुबह ही सूचना मिली है 11/10/19 पर कि छिपाबड़ो थाने से अस्पताल में कोई अज्ञात बालक है, जो उसमें कूड़ेदान में डला हुआ था, उसको बारा रेफर किया वहाँ से छिपाबड़ो वाला ने। और अब उसकी क्रिटिकल पोजिशन होने की वजह से मेडिकल बोर्ड का कहना है, डॉक्टर साहब का कहना है, इसको कोटा रेफर कर दिया जाए। हम लोग भी अपने बाल कल्याण समिति संज्ञान लेने आगे, बालक को देखने आगे। आवश्यकता तो यही कि बच्चा कोटा जाएगा और उसका उचित इलाज कराने की हम अनुमति प्रदान की है, और उसकी जल्द से जल्द इसको कोटा रेफर कर दिया जाए ताकि बच्चे सब कुशल रह सके। मैं ओम प्रकाश मेहता, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति बारा। चौधरी द्वारा छिपाबड़ो से लाया गया, जिसको इंचार्ज डॉक्टर गिरिराज मीणा ने देख के उसकी स्थिति के अनुसार भर्ती किया गया है, जो सीरियस है, जिसका संज्ञान अभी बाल कल्याण केंद्र वालों ने भी ले लिया और उसको आगे के उपचार हेतु कोटा रेफर किया जाए। ये छिपाबड़ो से रेफर किया गया सर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूँ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920 8482127। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भगवान श्री कल्याण राय मंदिर प्रांगण इटावा में चल रही शिव महापुराण कथा में अष्टम दिवस व्यास पीठ आचार्य हितुराज शर्मा बूंदी वालों ने कथा में कहा कि पिता सहज भाव से जो पुत्र को दे वो पुत्र को स्वीकार करना चाहिए। सत्यव्रत ने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। नंदी ने कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। वो दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। तब से ही भगवान भोलेनाथ के ध्वज में नंदी का निशान। भगवान ने प्रसन्न होकर अपने गले की कमल की माला उतार कर नंदी के गले में डाल दी। जब से नंदी की तीन आंखें हो गई। आगे व्यास पीठ ने हनुमान जी के अवतार का प्रसंग पर विस्तार से बताया। प्रकाश डालते हुए कहा कि सूर्य भगवान से हनुमान जी ने शिक्षा ग्रहण। कार्तिक मास के रूप 14 को श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। दिवाली के एक दिन पहले हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आचार्य ऋतुराज शर्मा ने श्रोताओं से कहा कि आजकल कुछ लोग हिंदू धर्म का अपमान करने में लगे हुए हैं, जबकि सनातन धर्म है और सनातन रहेगा। इसको मिटाने वाले कई मिट गए क्योंकि अनंत है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर पटाखे व अगरबत्ती के पैकेट पर अगर देवी देवताओं का फोटो हो तो उसको नहीं खरीद। लोगों को जागरूक करें, भगवान का अपमान करने से बचे, ऐसा सब शिव महापुराण कथा में संकल्प लेकर जाए। कथा के अंत में कथाव्यास आचार्य ने भगवान की 12 ज्योतिर्लिंगों को लेकर हर एक ज्योतिर्लिंग के बारे में प्रसंग का वर्णन करते हुए शिव भक्तों को विस्तार से समझाया। कथा के आज पूर्णाहुति के अवसर पर व्यासपीठ आचार्य ऋतुराज शर्मा व अन्य पंडितों को कला समाज अध्यक्ष त्रिलोक पारिता के नेतृत्व में माल्यार्पण कर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर शिव भक्तों की आंखें नम हो तदोपरांत आरती की गई, जिसमें त्रिलोक पारिता, नरेंद्र पारिता, गिरजा शंकर गुप्ता, दया कृष्ण जगरोटिया, मुकेश पारिता, भगवान दास पारिता, रमेश चंद जगरोटिया, नंद बिहारी पारिता, दुर्गा शंकर पारिता, ब्रजमोहन मंडरायला, मदन पारिता सहित अन्य कई समाज के बंधु उपस्थित। बाद में उपस्थित सभी शिव भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने रविवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी में बचपना ज्यादा है, मैच्योरिटी कम है। जनरल वीके सिंह दौसा में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को टोंक जिले के निवाई विधानसभा में थी, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर हमला किया था। वीके सिंह ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी जी की सभा है और वहीं पास में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी जी को बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 17 रेप और दुष्कर्म की घटनाएं रोज हो रही है, लेकिन वे रणथंभौर में टाइगर देखने में मस्त हैं। प्रियंका जी ये जान ले कि मोदी जी के गरीबों के विषय में हमेशा चिंतित व कार्यरत रहते हैं। सीएम गहलोत का आड़े हाथ लेते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश की जनता अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कामकाज से परेशान है, इसलिए हमें इस यात्रा को निकालने की जरूरत पड़ी ताकि जनता साथ आए और परिवर्तन लाए। और जनता ने भी परिवर्तन की पुष्टि की है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा को जनता जोश और उत्साह के साथ जन समर्थन मिल रहा है। कोटा में विकसित किए गए चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनने जा रहे हैं। देशवासियों को पर्यटन स्थलों की सौगात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 12 और 13 सितंबर को कोटा में भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत सहित 25 से मंत्री, 25 आयोग के अध्यक्ष, विभिन्न देशों के राजदूत शामिल होंगे। वहीं बॉलीवुड सितारे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को कोटा नगर विकास न्यास ने चंबल रिवर फ्रंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो साल भर कोटा नहीं देखा तो क्या देखा थीम पर प्रमोशन करेंगे। इन दोनों बॉलीवुड सितारों का उद्घाटन समारोह के दौरान 13 सितंबर को उम्मेद सिंह स्टेडियम में प्रोग्राम भी है, जहां हजारों लोग इनका परफॉर्मेंस देखेंगे और देखने के लिए शामिल होंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार अंतिम चरण की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज भी मंत्री धारीवाल ने चंबल रिवर फ्रंट पर उद्घाटन की तैयारी का जायजा लिया। रिवर फ्रंट पर विकसित किए गए सभी घाटों की विशेषताओं को बारीकी से देखा। लोक कलाकारों द्वारा अवलोकन के दौरान अद्भुत प्रस्तुतियां दी गई। वहीं कुमाऊं बैंड ने भी परफॉर्म किया। नयापुरा बावड़ी से ही उद्घाटन समारोह के दौरान घाटों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान संभागायुक्त प्रतिभा सिंह, कलेक्टर ओपी बुनकर, एसपी शरद चौधरी, ओएसडी आरडी मीणा, सचिन मानसिंह मीणा समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। केप न्यूज के लिए कोटा से फरीद खान की रिपोर्ट।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योति मिर्धा ने आज बीजेपी का हाथ थाम लिया। ज्योति मिर्धा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भाजपा ज्वाइन की है। उन्हें राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी ज्वाइन करवाई। जाट नेताओं में ज्योति मिर्धा की बड़ी नेताओं में गिनती होती है। विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जाट नेता के तौर पर मिर्धा परिवार मजबूत पकड़ रखता है। आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथुराम मिर्धा की पोती। चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि जाट नेता के तौर पर मिर्धा परिवार कांग्रेस में मजबूत पकड़ रखता है। ज्योति मिर्धा नागौर के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हनुमान बेनीवाल से हार गई थी लेकिन अब जाट वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद मिर्धा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश और प्रदेश की परिस्थितियां बदली और पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की साख दुनिया भर में बढ़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके विपरीत चली गई। उन्होंने कहा कि पार्टी में हमारी बात कभी सुनी जाती थी और कभी नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने लक्ष्य से भटक गई है। ज्योति ने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार कानून व्यवस्था को लेकर कई लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस छोड़ने का मन बनाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाने का काम करूंगी और राजस्थान में मजबूत सरकार लाने के लिए अथक प्रयास करूंगी। भरतपुर में गौ तस्करी का एक नया मामला सामने आया है, जिसने पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया। दरअसल भरतपुर कलेक्टर ऑफिस के सामने से कुछ गौ तस्कर गोवंश को गाड़ी में डालकर फरार हो जाते हैं और वहां कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखती। स्कॉर्पियो से आए 4 से 5 गौ तस्करों ने भरतपुर शहर के बीचों बीच देर रात सड़क पर बैठे गोवंश को गाड़ी में डालकर भाग निकलते हैं, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। अक्सर गौ तस्कर रात के समय जीप लेकर आते हैं और सड़क पर बैठे हुए गोवंश को ठाकर ले जाते हैं, जबकि भरतपुर शहर में कई दिनों से रोजाना फायरिंग और लूट और हत्या जैसी वारदात घटित हो रही, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था के होते हुए भी और जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने से गौ तस्कर आसानी से आते हैं और गोवंश को तस्करी कर ले जाते हैं। इस घटना ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े कर दिए। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। पिता सहज भाव से जो पुत्र को दे वो पुत्र को स्वीकार करना चाहिए, आचार्य ऋतुराज शर्मा ने कहा। कोटड़ा दीप सिंह में रामनवमी जुलूस के मृतकों परिजनों को 160 दिन बाद भी नहीं मिली संविधा पर नौकरी, ग्रामवासियों में भारी आक्रोश। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज जाट नेता ज्योति मिर्धा ने थामा बीजेपी का हाथ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकाल कर दिया गया संदेश। चीपा बड़ोद अस्पताल के कचरे के डिब्बे में मिली एक दिन की नवजात बालिका। केप न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केप न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।